नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभात तिवारी स्टडी आई क्यूब। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आ गया है और आप लोग कितने लोग ऐसे हैं जो अपना रिजल्ट नहीं देखे हैं। अगर अपना रिजल्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन बताना, मैं आप लोगों का रिजल्ट बता दूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग अभी रिजल्ट नहीं देख पाए हैं और सुबह 5 बजे तक दोस्तों साइट आपकी एकदम फ्रेश चली है। फिर से अभी थोड़ी सी साइट पर प्रॉब्लम आ गई है क्योंकि एक बार फिर से आप लोग साइट पर जुड़ गए हैं। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर कई चीज़ें कन्फर्म कर दूँगा कि आप लोग अपना रिजल्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और दोस्तों आप अपना स्कोर कैसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने सबसे पहले, कई लोग ईमेल अपना क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भूल गए हैं, तो सबसे पहले मैं उनको बताना चाहता हूं। मैं दोस्तों यहां पर आपको लिए चलता हूं। यहां पर बहुत सारे लोगों का दोस्तों मैंने रिजल्ट डाउनलोड किया है और रिजल्ट देख लीजिए, इस तरह आप लोगों को दिखेगा। और यहाँ पर दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन रहेगा और यहाँ पर दोस्तों आपका मार्क्स दिखेगा, आप 150 में कितने मार्क्स पाए हैं। अगर रिजल्ट स्टेटस में आपका क्वालिफाई दिखा रहा है तो आप क्वालिफाई हैं। ठीक है, क्वालिफाई हैं। और जो आपका एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डाउट्स बन रहा होगा कि सर जब हम क्वालिफाइड हैं तो मेरी ये कह सकते हैं कटाव, तो कटाव दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है इस परीक्षा में 95,000 लोगों का दोस्तों, क्योंकि जो 90 और 97, ठीक है, जो 90 97 के बीच में जनरल की कैटेगरी कितनी रखी गई 97 और जो रिजर्व वाले हैं उनकी कितनी रखी गई थी 90 क्वेश्चन की, ठीक है, 90 नंबर की, जो इतना पाए दोस्तों उनका यहाँ पर क्वालिफाई किए गए हैं एकेडमिक को छोड़कर दोस्तों, तो यहाँ पर वो क्वालिफाई हुए हैं, जो 90 से कम पाए हैं उनको डिसक्वालीफाई कर दिया गया है। तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर दिखेगा, इस तरह का कुछ रिजल्ट दिखेगा। 150 दोस्तों आपको यहाँ पर 108 नंबर पाए हैं, सिक्योरिटी कारण का रजिस्ट्रेशन नंबर और नाम को हाइड किया है और ये क्वालिफाई दिख रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बताते हैं कि क्या करना है। सबसे पहले आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर मेंशन करना है, पासवर्ड का मेंशन करना है। बाय द वे, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड भूल गए दोस्तों तो यहां पर आप फॉरगेट कर देना। ठीक है, जैसे रिसेंट फॉरगेट वन टाइम पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर या फिर आपके मोबाइल नंबर दोस्तों वन टाइम पासवर्ड चला जाएगा। और ये दोस्तों देखो मैंने यहां पर किया है, देखिए ये एक यहां पर किया गया है और यहाँ पर फिर से दोस्तों आप लोगों का जूनियर एडिट का आपका पासवर्ड आ जाएगा और ये पासवर्ड को आप दोस्तों एंटर कर देना। और पासवर्ड को एंटर करने के बाद दोस्तों आप रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डर के दोबारा अपने रिजल्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जानकारियाँ थी, और अगर जो लोग नहीं डाउनलोड कर पाए, कुछ लोगों का प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो प्लीज़ ऐसा करिए, आप लोगों का आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई जानकारी हो, कोई अगर आपको सहायता चाहिए, कमेंट सेक्शन मेंशन कर देना, मैं कमेंट्स को प्रॉपर रीड करता हूँ। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, इसी तरीके के ऑथेंटिक एवं सही जानकारी पाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।